आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्लोरोड रीसेलिंग एप्लीकेशन से मैंने अपनी पूरी लाइफ में कितने पैसे कमाए, तो उसका पूरा आइडिया भी दूंगा कि कैसे इतना ज़्यादा अर्निंग मैंने की। और आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही है या रेट आई है वो दूसरे एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा हाई होती जा रही है, लेकिन ग्लोरोड में नहीं है। दूसरी चीज़, ग्लोरोड अपना प्रमोशन भी नहीं कर रहा, तो रीसेलर को ग्लोरोड से कोई अभी इफेक्ट नहीं हो रहा। मीशो वगैरह प्रमोशन ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइस भी हाई होती जा रही है, तो कुछ इशू है, तो ग्लोरोड को आप यूज कर सकती हैं। तो चलिए पहले इनकम प्रूफ देख लेते हैं कि भाई मेरी टोटल लाइफ टाइम में मैंने ग्लोरोड से कितना कमाया है, फिर बात करेंगे कि कैसे इतना कमाया है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं ग्लोरोड ओपन करता हूं क्योंकि लैपटॉप में इसलिए कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि लैपटॉप में क्यों कर रहे हो, तो मेरा सेलर अकाउंट है तो वो लैपटॉप में ही ओपन होता है, तो ये ओपन हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूं अपनी अर्निंग, टोटल अर्निंग कितनी हुई है। ये कोई मैं रीसेलर अकाउंट ओपन करता हूँ, ग्लोरोड फॉर रीसेलर, जिससे आप मेरी रियल इनकम देख पाओ। तो मेरी रियल इनकम देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माई अर्निंग है, उस पर मैं ओके करूँगा, माई अर्निंग पे जाऊँगा, तो यहाँ पे प्रीवियस पेमेंट दिखा रहा है, टोटल मनी पेड टिल डेट 1,76,736 रुपये। और जो मेरा 19 फरवरी को पेमेंट होगा, आज कितनी है, आज 19 तारीख ही है, आज को जो पेमेंट हुआ है 5,526 रुपये, आज भी पेमेंट आया होगा मेरा, और लास्ट मेरे को 1,76,736 रुपये की मेरी टोटल रीसेलिंग से अर्निंग हुई है, ग्लो रोड से लगभग 1,50,000 से ज़्यादा हो गई, और काफ़ी अच्छी इनकम मैंने यहाँ से की है, जो कि लाइफ टाइम में अर्निंग मेरी जनरेट हुई है। तो अगर सी डिटेल्स पे देखोगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे को 19 फरवरी को 5,526 रुपये का पेमेंट हुआ है, 12 फरवरी को 4,304 का पेमेंट हुआ है, 5 फरवरी को 5,161 का पेमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट है डेट वाइज, ये फरवरी के हैं, अभी एक और पेमेंट आएगा, अभी तो 19 तारीख है आज, और आगे और भी पेमेंट आएगा, एक पेमेंट और आ जाएगा, तो लगभग 22-23 हज़ार रुपये मंथली इनकम मेरी यहाँ से हो जाती है। देखो ये फरवरी का है, अगर जनवरी का सेलेक्ट करूँ तो जनवरी का ये आ जाता है, जनवरी को मेरे को पेमेंट मिले, 29 जनवरी को मिला है, और 22 जनवरी को, सभी पेमेंट 5,000 से ऊपर हैं, कोई 5,200, 5,800, 5,400, मतलब 25,000, 24,000 के लगभग मेरी इनकम यहाँ से बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो आप लोग भी इनकम कर सकते हैं ऐसे ही मेरी तरह। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्लो रोड का डाउनलोड लिंक दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब फेस वीडियो पर चलते हैं। तो आपने मेरी टोटल इनकम देख ली, काफ़ी ज़्यादा इनकम है, और थोड़ा ही टाइम हुआ है ग्लो रोड यूज करते हुए, लगभग 2 लाख रुपए के समथिंग मैंने इनकम कर ली, वो भी रीसेलिंग से। और रीसेलिंग से इतनी ज़्यादा इनकम बहुत ही आसानी से की है, कोई बड़ी चीज़, कोई तूफान नहीं मारा मैंने। और कैसे की है, कैसे एक ट्रिक को अप्लाई किया जिस वजह से मेरी इतनी ज़्यादा इनकम हो रही है और लगातार इनकम इंक्रीज होती जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास कस्टमर बहुत थे। लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी रीसेलर की गलतियां होती हैं कि कस्टमर आता है, उसका ऑर्डर लगाते हैं, डिलीवर हो जाता है, भूल जाते हैं सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि हर कस्टमर को मैं तो याद नहीं रख सकता, हर बार उससे ये नहीं पूछ सकता कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, बार बार तो उससे परेशान नहीं कर सकता, वो भी परेशान होगा तो मुझे ब्लॉक कर देगा। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि ऐसा क्या किया जाए कि रीसेलर हम हैं और कस्टमर वो है, तो उसको भी परेशानी ना हो, हमें भी बार बार उसे अपडेट देने की जरूरत ना हो, उसे जब मन करे जब भी वो प्रोडक्ट देख ले, अपने आप खरीद ले। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ग्लो रोड पर फ्री में स्टोर बनता है, और उस स्टोर का अगर लिंक हम किसी को भेजते हैं तो वहां से कोई खरीदता है तो हमें फिर भी मार्जिन मिलता है, और उस स्टोर में वन क्लिक में प्रोडक्ट भी ऐड हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उस स्टोर का लिंक इनके साथ शेयर किया जाए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं अगर लिंक शेयर करूंगा तो लिंक तो ये इनके पास एक बार चला जाएगा, ये उस पर ओके कर लेंगे, वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये भूल जाएंगे कि वेबसाइट क्या थी। और भूलने के बाद भी, तो मैं एक बताऊं जो सबसे बड़ा इशू आएगा कि बाई चांस मैसेज डिलीट हो गया, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाते हैं, तो परमानेंट डाटा हट जाएगा और हमारा कनेक्शन इनके साथ नहीं रहेगा, हमारी वेबसाइट भी हर कोई याद नहीं रख सकता जो कि फ्री में ग्लो रोड पर बनती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि इनके में हमेशा हमारे प्रोडक्ट डले रहें,
हमेशा जब मन हो जब ये प्रोडक्ट देख सकें और जब मन हो जब शॉपिंग कर सकें, और हमें कुछ कहने की ज़रूरत भी ना पड़े, और कभी इनके फ़ोन में ऐसे व्हाट्सएप वगैरह डिलीट भी हो जाता है फिर भी हमारा जो सिस्टम है वो इनके में सेव रहे और फिर भी ये शॉपिंग कर सकें और हमसे ना पूछे अपनी मनपसंद चीज़ अपने आप खुद ही ऑर्डर कर लें। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैंने जब बैठ के सोचा तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ग्लो रोड पर जो हमारा स्टोर फ्री में बनता है, जो स्टोर होता है, एक लिंक होता है, वेबसाइट होती है, जो myonshop.com फिर आपका नाम होता है, ऐसी वेबसाइट होती है, इसका अगर एप्लीकेशन बना दें तो कैसा रहे। मतलब जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट हों वो ही सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन में भी शो होने लगे तो कैसा रहेगा। और ये आइडिया इतना काम किया, इसके पीछे रीजन भी था कि अगर मैंने किसी को अपने एप्लीकेशन का लिंक भेजा और उसने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो मेरे ग्लो रोड के जितने प्रोडक्ट होंगे वहाँ पर देखेंगे, और जब जब मैं अपने ग्लो रोड ऐप से अपने स्टोर में प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन में भी अपडेट हो जाएंगे। आपको पता है जब आप अपने ग्लो रोड ऐप से अपने स्टोर में प्रोडक्ट ऐड करते हैं, अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर पूछता है कि कितना मार्जिन ऐड करके आप अपने स्टोर में ऐड करना चाहते हैं, तो मार्जिन ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है आपका वहाँ पर। अगर आपके स्टोर में मार्जिन ऐड हो रहा है तो जो एप्लीकेशन आपकी वेबसाइट से या आपके स्टोर से कनेक्ट होकर बनाया गया है उसमें भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती हैं प्राइस वगैरह जो मार्जिन समेत होती हैं। तो मेरे को लगा क्यों ना एक ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जाए, अपने स्टोर का एप्लीकेशन बना के उस एप्लीकेशन को दूसरे लोगों को डाउनलोड करा दिया जाए। अब बाई चांस मान के चलो उनके फ़ोन से अगर हम लिंक भेजते हैं तो लिंक डिलीट भी हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन एक बार कोई डाउनलोड कर लेगा तो उसके फ़ोन में हमेशा वो एप्लीकेशन सेव रहेगा। दूसरी चीज़, जब हम किसी को ऐसे ही प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो ट्रस्ट पैदा नहीं होता, लोगों को लगता है ये फ्रॉड ना हो, हम कुछ मंगाएं ऑर्डर कुछ और हो जाए और कुछ आए ना, ऐसा ना हो कि पेमेंट दे दें फिर कोई रेस्पॉन्स ना दे, ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब किसी को एप्लीकेशन आप शेयर कर रहे हो और एप्लीकेशन को वो डाउनलोड करेगा वहाँ पर देखेगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, पेमेंट गेटवे भी है, मैं चाहूँ तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ, मैं खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ट्रस्ट पैदा होता है लोगों के अंदर, ऐसा लगता है कि अब तो हमारे हाथ में है हमारा बिजनेस, तो एप्लीकेशन पर ज़्यादा भरोसा हो जाता है, आप पर भरोसा नहीं होता। फ्यूचर में कभी उनका डाटा डिलीट भी होता है तो एप्लीकेशन उनके फ़ोन में सेव रहता है। हर किसी के फ़ोन में स्टोरेज लिमिटेड होता है और कोई नहीं चाहता कि फालतू के फ़ोटो वगैरह आएँ, फालतू के व्हाट्सएप पे मैसेज आएँ, अगर आप ग्रुप वगैरह बना के उन्हें शेयर करते हैं तो परेशान हो जाते हैं लोग, ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं या आपको ब्लॉक मार देते हैं आप अगर पर्सनली उन्हें ज़्यादा फ़ोटो वगैरह शेयर करते हो। तो अगर एप्लीकेशन होगा तो जब कस्टमर चाहेगा, जब आपका एप्लीकेशन ओपन करेगा, प्रोडक्ट देखेगा, जो चाहिए वो ऑर्डर कर लेगा, सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। और मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां मिला कि मेरे जितने भी कस्टमर थे वो व्हाट्सएप पे थे और एप्लीकेशन का सभी को लिंक भेज दिया था, एक बार सभी ने डाउनलोड कर लिया था, फिर मैं अपने स्टेटस में दिखाता रहता कि ऑफर चल रहा है 30% off 20% off, तो लोग मेरा स्टेटस देखते तो उन्हें याद आ जाता कि इनका एक ऐप था जो हमने डाउनलोड किया था, देखते हैं क्या क्या आइटम है। मैं नए नए आइटम ऐड करता था और बड़ी आसानी से आइटम ऐड हो जाते थे, ऐड टू वेबसाइट ग्लो रोड में जाओ, ऐड टू वेबसाइट पर क्लिक करो और तुरंत कितना मार्जिन करके अपडेट कर दो, तो वो वेबसाइट पर ऐड हो जाते थे जो ग्लो रोड पर फ्री वेबसाइट बनती थी, और वेबसाइट से हमारा एप्लीकेशन कनेक्ट था तो वहाँ पर भी वही चीज़ हो जाती थी कि एप्लीकेशन में वही एक्टिविटी होती थी जो वेबसाइट पे होती थी, सेम टू सेम बना तो उसी से लिंक करके था, तो वहां से मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। मैं कस्टमर से कुछ नहीं बोलता फिर भी कस्टमर अपने आप ऑर्डर लगाते, अपने आप प्रोडक्ट देखते, अपने आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते, बस मैं ये सोचता कि ग्लो रोड ऐप से कौन कौन से प्रोडक्ट अपने वेबसाइट में ऐड करनी है जो फ्री वेबसाइट बनी हुई है ग्लो रोड पर, क्योंकि वेबसाइट में ऐड होंगे तो ऑटोमेटिक जो हमने एप्लीकेशन बनाया उसमें अपने आप ऐड हो जाते थे। तो ये बात मैं सोचता रहता कि कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है जो अपलोड करनी है वो करता रहता था, जिससे उन्हें नए नए प्रोडक्ट दिखते रहते थे एप्लीकेशन में और जब भी उनका मन आता था वो शॉपिंग कर लेते थे, और बाकी का व्हाट्सएप पर मैं उन्हें थोड़ा अपडेट देता रहता था, मैं उनको पर्सनली कभी मैसेज नहीं करता था जिससे वो डिस्टर्ब ना हो, उन्हें मेरे से ऐसा ना लगे कि ये क्या है यार बार बार डेली फोटो भेज रहा है, कभी डिस्क्रिप्शन भेज रहा है, हमें ज़रूरत होगी जबी तो खरीदेंगे। इसके अलावा जब फेसबुक मार्केट से मेरे को मैसेज आते तो मैं लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर देता और पर्सनली व्हाट्सएप पर बुला के नंबर सेव कर लेता और उनको अपने ऐप का लिंक दे देता कि यहाँ पे आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, लगातार डेली प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकती हैं। तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस था जिसकी वजह से हमारी सेल लगातार इंक्रीज होती गई, हमारी कस्टमर बेस इंक्रीज होता गया।
अब भाई बात आती है कि हमने एप्लीकेशन प्ले स्टोर में क्यों नहीं डाला। हमने स्टार्टिंग में प्ले स्टोर में डाले थे एप्लीकेशन, अपना भी डाला था, दूसरों की भी डाले थे, तो प्ले स्टोर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि मल्टी इमेज और मल्टी कंटेंट वाले एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे में भी वही प्रोडक्ट है और ग्लो रोड ने भी वही डाल के रखे हैं, तो मैच हो जाते हैं वो प्रोडक्ट, मल्टी कंटेंट हो जाता है। तो उस वजह से जो ऑरिजिनल होता है, जैसे ग्लो रोड का तो भाई ऑफिशियल है, वो खुद डाल रहे हैं तो उनका तो सेफ है, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर द्वारा हटा दिया जाता था। तो इसलिए हमने पर्सनली ड्राइव में डाल के अपने एप्लीकेशन का लिंक देना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें तो एप्लीकेशन बनाना आता नहीं, हम क्या करेंगे। तो अगर आप एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो हमसे बनवा सकते हैं। हम आपका जो एप्लीकेशन 1500 रुपये में पूरा बना के सेट करके, स्टोर वगैरह लगा के, लोगो वगैरह पूरा एकदम प्रोफेशनल एप्लीकेशन बना के देते हैं, और उसके बाद आपको गाइड भी करते हैं कि कैसे आपको इसे यूज करना है। वैसे तो सिंपल है, कोई यूज कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारा सिंपल प्रोसेस है, तो आप आसानी से यूज कर सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाइए। जिनको एप्लीकेशन बनवाना हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।